पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, वहीं पर्यटकों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर खांकरा के पास एक कार खाई में गिर गई। इस दौरान खाई में गिरते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। जब एक वाहन रुद्रप्रयाग से देहरादून की ओर जा रहा था, तभी अल्टो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। अल्टो कार में कितने लोग सवार थे, अभी तक पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कार खाई में गिरने के कारण दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार सभी लोग रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि विकास खंड कुमड़ी के रहने वाले थे। पुलिस की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर है और खाई में जाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। कार जखौली से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, इस दौरान खांकरा के पास हादसा हो गया। सूचना मिलते ही SDRF और DDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। दो लोगों के शव बरामद हुए, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि पहाड़ों में बारिश मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में जारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बारिश के कारण राज्य की कई सड़कों पर फिलहाल यातायात बंद है। बारिश का सबसे बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। धाम का मौसम खराब और बारिश होने से आने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत कमी आई है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में मानसून की पहली ही बरसात से जलभराव हो गया, जिससे यात्रियों के सामने आवाजाही का संकट गहरा गया है। इस दौरान कुछ देर तक यात्रा भी बंद रखनी पड़ी।